बच्चों, हम लोग सेकंड ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार इस समय पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास। और संस्कृत साहित्य के इतिहास का सामान्य परिचय हमने पूर्व के क्लास में देखा था, और अब ये हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं महाकाव्य रामायण महाकाव्य, जिनको हम आदि काव्य कह सकते हैं, उपजीव्य काव्य कह सकते हैं इनको। रामायण तथा महाभारत दोनों को वीर काव्य भी कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है रामायण के बारे में सामान्य परिचय समझेंगे। रामायण की महत्ता क्यों है, ये किस शैली का ग्रंथ है, और इसकी जो भाव हैं वो किस प्रकार के हैं, इसकी विषय वस्तु किस प्रकार की है, इसका शब्द शिल्प किस प्रकार का है, ये सब रामायण महाकाव्य के बारे में सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में रामायण और महाभारत दोनों को उपजीव्य काव्य कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि रामायण आदि काव्य है और उसके बाद महाभारत लिखा गया है। ये जो दो प्रारंभिक ग्रंथ हैं लौकिक संस्कृत साहित्य के, तो वो दोनों ग्रंथ जो है एक आने वाले साहित्य की यात्रा में एक आदर्श प्रतिमान है, उदाहरण है। और लगभग लगभग सभी साहित्यकारों ने रामायण अथवा महाभारत से अपने साहित्य की किसी भी विधा में मूल विषय वस्तु को ग्रहण किया है। तो अपने एक तरीके से साहित्य ने अपने जीवन को, अपने मूलभूत तथ्य को रामायण से लिया है अथवा महाभारत से लिया है। इसलिए इन दोनों ही ग्रंथों को उपजीव्य काव्य कहा जाता है। और उनमें सबसे पहले हम लोग रामायण के बारे में पढ़ेंगे। तो रामायण जो है वो वाल्मीकि के द्वारा रची गई है। वाल्मीकि रचित महाकाव्य रामायण, इसका सामान्य परिचय हम यदि देखना चाहें बच्चों, तो वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य कहा गया है, और वाल्मीकि को स्वयं को आदि कवि कहा गया है। तो आदि का मतलब है कि ये पहला काव्य है, लौकिक संस्कृत साहित्य का ये पहला काव्य है, प्रारंभिक काव्य है, और इसलिए इसको आदि काव्य कहा गया है। और जो लौकिक संस्कृत साहित्य है इसके वाल्मीकि पहले कवि है, इसलिए ये आदि कवि कहे गए हैं। और इस महाकाव्य की रचना से संबंधित एक सामान्य कथा हम लोगों को पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि एक बार जब वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे पर स्नान के लिए गए, तो वहाँ पर उन्होंने क्रौंच पक्षियों के एक युगल को बहुत प्रेम से बैठे हुए देखा। और इस प्रकार से वो जो है युगल का व्यवहार कर रहे थे। और उस समय एक शिकारी ने बाण चलाया, और बाण चलाने से उन युगल में से एक पक्षी जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। और उसके मरने के पश्चात जो जीवित पक्षी है उसको देख करके और उसके विरह को देख करके, उस पक्षी की मृत्यु को देख करके वाल्मीकि का जो हृदय है वो करुणा से आर्द्र हो गया। और वो जो उनका करुणा भाव है, वो जो उनका शोक है, वो श्लोक के रूप में स्वतः ही प्रकट हुआ। जो माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, कि हे निषाद, तुम सैकड़ों वर्षों तक प्रतिष्ठा को प्राप्त मत करना। क्यों? क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षियों में से, क्रौंच मिथुनाद, क्रौंच पक्षियों में से एकम एक को अवधि वध कर दिया है। और क्रौंच पक्षी किस प्रकार का है? काम मोहितम, काम से मोहित, प्रेम व्यवहार में लगे हुए, प्रणय व्यवहार में लगे हुए क्रौंच पक्षियों के युगल में से एक पक्षी को तुमने जो है वो समाप्त कर दिया है। इसलिए तुम मैं एक उनके मन से एक जिसे कहें कि ऐसी वाणी निकलती है कि तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त मत करना, सैकड़ों वर्षों तक तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त मत करना। इस प्रकार से एक उनका जो शोक है वो श्लोक के रूप में परिणमित हो गया। और ऐसा कहते हैं कि ये पहला श्लोक था, श्लोक जिसको अनुष्टुप छंद भी कहा जाता है, ये पहला छंद है आदि का जिसे कहें लौकिक संस्कृत साहित्य का। और ये अनुष्टुप छंद जिसको हम सामान्य रूप से श्लोक कहते हैं, और ये श्लोक चूँकि पहला पद्य है इसलिए कभी कभी हम समान रूप से लक्षणार्थक रूप से सभी पद्यों को श्लोक शब्द से कहते हैं, लेकिन श्लोक का तात्पर्य है अनुष्टुप छंद, जो कि एक तरीके से आदि छंद है। और तब
जिसे प्रतीकात्मक रूप से समझे या किसी भी तरीके से कथा के रूप में समझे कि ब्रह्मा जो है उन्होंने आदेश दिया कि हे वाल्मीकि तुम राम के चरित्र का वर्णन करो, और तब वाल्मीकि ने राम के चरित्र का वर्णन किया उनके जन्म से लेकर के और युद्धकांड तक, लंका विजय तक, रावण के विजय प्राप्त करने तक, और इस प्रकार से जो है इसमें राम जिसे कह सकते हैं कि वो अच्छाई के प्रतीक है, सत्य के प्रतीक है, और रावण जो है वो बुराई के प्रतीक है, असत के प्रतीक है, उस असत पर सत की जो विजय होती है, तो इसलिए ये वीर काव्य है। तो ये युद्ध का वर्णन है और इस युद्ध में अच्छाई की जीत बुराई पर होती है, इसलिए इसको वीर काव्य कहा जाता है, क्योंकि इससे साहित्य की सभी विधाओं ने जीवन को प्राप्त किया है, इसलिए इसको उपजीव्य काव्य कहा जाता है, क्योंकि ये लौकिक संस्कृत साहित्य का पहला ग्रंथ है, इसलिए इसको आदि काव्य कहा जाता है, और चूंकि वाल्मीकि इसको रचने वाले पहले कवि हैं, इसलिए उनको आदि कवि कहा जाता है, क्योंकि ये श्लोक जो श्लोक के रूप में परिणमित हुआ, ये पहला श्लोक है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये आदि छंद है। इस प्रकार से जो है रामायण का जैसे कहें कि उदय हुआ और उनको आदेश मिला कि वो उसका निर्माण करें रामायण का, और रामायण के सामान्य परिचय को अगर हम देखना चाहें, इसके जिसे कहें कथा विन्यास को, इसकी शैली को, इसकी विषय वस्तु को, इसके इसके विशाल कलेवर को, तो हम देखते हैं कि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, जो 24,000 श्लोक और प्रत्येक 1,000 श्लोक का पहला जो अक्षर है वो गायत्री मंत्र के पहले जो अक्षर है उनसे प्रारंभ होता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और 24 अक्षरों का प्रत्येक 1,000 वाला जो शुरू होता है खंड, वो उसके पहले पहले वर्ण से शुरू होता है। तो इस प्रकार से ये इसको चतुर्विंशति सहस्त्री जो है संहिता भी कहा जाता है, और इसमें 7 कांड हैं, यद्यपि बालकांड और उत्तरकांड के विषय में बहुत सारा विवाद है। कुछ साहित्यकार, कुछ टीकाकार, कुछ समीक्षक ये मानते हैं कि जो आदि जो बालकांड है और जो उत्तरकांड है वो रामायण का अंश नहीं है और ये प्रक्षिप्त है, और इसका तात्पर्य ये है कि वो बाद में जुड़ा है, और उसकी इस उसके बहुत सारे प्रमाण वो इस रूप में देते हैं कि रामायण, मूल रामायण की जो शैली है, उसके जो स्रोत हैं, उसमें जो प्रमाण हैं, उसमें बहुत सारी जो बातें हैं उनसे बालकांड और उत्तरकांड का मेल नहीं होता, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि बालकांड और उत्तरकांड जो है वो उस समय नहीं लिखे गए हैं या बाद में उसमें जोड़े गए हैं। लेकिन बौद्ध जातक एक दशरथ जातक है, उसमें उत्तरकांड के पद्य मिलते हैं श्लोक, इससे कहा जा सकता है कि उससे पहले रामायण का ये जो स्वरूप है 7 कांड वाला, ये अस्तित्व में आ चुका था। तो 7 कांड हैं, 24,000 इसमें श्लोक हैं, और इसमें राम के जीवन का, राम के चरित्र का वर्णन है कि राम के जन्म से लेकर के और उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका वनगमन, असुरों का उनके द्वारा वध और सीता के साथ उनका विवाह, और इसके अलावा सीता का जो रावण के द्वारा अपहरण किया गया वो, और फिर रावण से सीता को मुक्त कराने के लिए उनका उन्होंने जो अपना संगठन बनाया, वो सब वानर जाति, बाली, सुग्रीव, सब जो कथाएं हैं वो कथाएं बीच में उनमें है, और इन सब की सहायता से उन्होंने समुद्र पर पुल बनाया, और उसके पश्चात रावण पर विजय प्राप्त की, सीता से उनका मिलन हुआ, और उत्तरकांड में उसकी फिर अलग कथा है जिसमें ये कहा गया है कि सीता को उन्होंने पुनः जो है वो जिसे कहें कि प्रजा के कहने पर, प्रजा के द्वारा निंदा किए जाने पर, अपवाद से बचने के लिए, प्रजा को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने सीता से बहुत अधिक स्नेह और अनुराग होने के बावजूद भी उन्होंने उनको फिर से जो है वन के लिए भेज दिया, और वहाँ पर लवकुश की उत्पत्ति और लवकुश के द्वारा पुनः रामायण का वहाँ पाठ करना, और इस तरीके से सीता के बारे में उनको पता लगना, लेकिन सीता का भूमि में चले जाना, ये सब कथा उत्तरकांड में है। तो उत्तरकांड जो थोड़ा विवाद का विषय है, युद्धकांड तक इसकी मूल विषय वस्तु बताई जाती है। तो इस तरीके से ये रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण जो है वो उसका एक विषय वस्तु जिसे हम कहें कि राम
के जीवन का संपूर्ण रूप में चरित्र वर्णन करना ये रामायण का लक्ष्य है और यही रामायण की विषय वस्तु है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये जो जिसे कहें कि रामायण है, ये 7 कांडों में विभाजित है और ये आदर्श है महाकाव्य के रूप में, और इसको लेकर के आने वाले ग्रंथ जो हैं वो लिखे गए हैं। इस प्रकार से कहा जाए तो महाकाव्य के लक्षण, महाकाव्य के जो निर्धारण है इसके विषय वस्तु और स्वरूप के बारे में, संरचना के बारे में जो मानक निर्धारण है, वो रामायण और महाभारत को दृष्टि में रखते हुए लिखे गए हैं और इन्हीं से विषय वस्तु लेकर के लिखे गए हैं। तो रामायण जो है एक आदर्श ग्रंथ है, चाहे हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखें, या फिर सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, जीवन चरित्र के निर्माण की दृष्टि से देखें, तो ये हर तरीके से एक आदर्श प्रतिमान है। रामायण में जैसा कि हमारा श्लोक ही पहला जो अनुष्टुप छंद है जो वाल्मीकि के मुख से निकला है, वही उसके बारे में ही कहा जाता है कि शोक हो श्लोकत्वम आगतम, तो शोक ही श्लोक के रूप में परिणमित हो गया है। तो जो है शोक उसका स्थाई भाव है और करुण रस जो है वो उसका मूल रस है। करुण रस जो है वो रामायण का मुख्य रस माना जाता है। तो इस तरीके से इसमें और इसके अलावा रामायण जो है क्यों महत्वपूर्ण है, रामायण को क्यों इतना महत्व दिया जाता है, या रामायण जिसे कहे कि हमारी सनातन संस्कृति का आदर्श ग्रंथ क्यों है, क्यों हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस जीवन में आया है वो रामायण को पढ़े, रामायण को क्यों पढ़ना चाहिए, या इतना जो साहित्य लिखा गया है उसमें रामायण इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि ये आदि काव्य है, तो जो प्रारंभिक जो शुद्ध और सात्विक और अपने मूल स्वरूप की जो भी वस्तु होती है वो आदरणीय होती है, वरेण्य होती है, वो एक जिसे कहें कि दृष्टांत होता है हमारे समक्ष, इसलिए वो महत्वपूर्ण होता है। रामायण की विषय वस्तु अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तरीके से आदर्श स्थापना है, आदर्श परिवार, आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र, आदर्श राजा, आदर्श बंधु, आदर्श पुत्र, आदर्श जैसे कह पिता, तो आदर्श भ्राता, सब तरीके का एक आदर्श यानी एक आइडियल समाज में कैसा होना चाहिए प्रत्येक पात्र, वो रामायण में इसकी स्थापना की गई है। यानी कि समाज के सामने ये स्थापित किया गया है कि आदर्श कैसा होना चाहिए, आदर्श किस प्रकार का होना चाहिए, जैसे हम जिसमें अपनी छवि देख सकें, जिसमें हम ये देख सकें कि हमको क्या करना चाहिए, तब हम उस पात्र से शिक्षा ग्रहण कर सकें कि इस परिस्थिति में उस पात्र ने रामायण में ऐसा किया था तो समाज के लिए ये किया जाना उचित है, ये किया जाना विवेक संगत है, ये किया जाना धर्म संगत है। तो इस तरीके से रामायण में वाल्मीकि ने आदर्श की स्थापना की है, एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, आदर्श राष्ट्र कैसा होना चाहिए, आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श राजा के जो सेवक हैं वो कैसे होने चाहिए, और जिसे कहें परिवार के रूप में आदर्श पिता कैसे होने चाहिए, आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, या आदर्श पति और अथवा पत्नी कैसे किस प्रकार की होनी चाहिए, हर एक पात्र, हर एक संबंध, हर एक रिश्ता, हर एक सामाजिक और राजनीतिक संरचना, हर एक धर्म की संरचना, अगर उसका आदर्श हमको प्राप्त करना है तो हमें रामायण में जाना होगा और फिर ये देखना होगा कि वहाँ जैसा है वैसा होना चाहिए। समाज में क्या है वो अलग बात है, लेकिन क्या होना चाहिए वो हमें रामायण में मिलता है। तो रामायण एक आदर्श स्थापना का ग्रंथ है, जहाँ से समाज प्रारंभ होता है वहाँ पर पाथेय की आवश्यकता होती है, तो जो समाज चले तो उनके पास में रामायण एक पाथेय के रूप में हो। पाथेय बच्चों उसको कहते हैं जब हम किसी मार्ग पर चलते हैं तो मार्ग में हमें जो 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 भोज्य पदार्थ चाहिए, जो हमको जीवन चलाने के लिए आवश्यक तत्व चाहिए, उनको हम पाथेय कहते हैं। तो जीवन के लिए पाथेय है रामायण और जीवन यात्रा को चलाने के लिए आदर्श है रामायण। तो रामायण में आदर्श की स्थापना है। रामायण
चरित्र निर्माण का ग्रंथ है, यानी कि जो चरित्र कैसा होना चाहिए, जीवन में चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सारी वस्तुएं हैं जो जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होती है। जैसा हम लोगों की भारतीय संस्कृति में चार पुरुषार्थों की बात हम करते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये चारों मनुष्य के लक्ष्य होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो धर्म का पालन करें, वो अर्थोपार्जन करें, वो इच्छाओं की पूर्ति करें, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, लेकिन वो जीवन में किस प्रकार का आचरण करें, किस प्रकार का, चर धातु है और इत्र चरित्र, तो इस तरीके से चरित्र का मतलब है कि कैसे चले, क्या करे, तो ये चरित्र निर्माण के लिए रामायण में हमको आदर्श मिलेगा कि मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, यानी कि उसको क्या करना चाहिए और उसको क्या नहीं करना चाहिए, ये भी। तो ये रामायण एक तरीके से समाज के और राष्ट्र के चरित्र निर्माण का ग्रंथ है, जहाँ से हम अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जहाँ से हम करणीय की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जहाँ से हम अपने कर्तव्यों को, हमारे अनुकरणीय कार्यों की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो ये चरित्र निर्माण का ग्रंथ है। अब रामायण चूँकि प्रथम ग्रंथ है, आदि काव्य है, तो एक महाकाव्य का शिल्प कैसा होना चाहिए, महाकाव्य की संरचना कैसी होनी चाहिए, महाकाव्य में किस प्रकार से रस अथवा शब्द शिल्प किस प्रकार का होना चाहिए, वो रामायण उसके लिए एक आदर्श ग्रंथ है। इसलिए शिल्प की दृष्टि से रामायण का महत्व है, शैली की दृष्टि से रामायण का महत्व है, क्योंकि शैली कैसी होनी चाहिए, रामायण की सहज और सरल लेकिन प्रभाव उत्पादक शैली है, ऐसी शैली जो मनुष्य के हृदय पर छाप छोड़ती है, ऐसी शैली जो सहजता से हृदयंगम होती है, ऐसी शैली जो मधुरता लिए हुए होती है, सरसता लिए हुए होती है, ये बहुत जल्दी जो है वो हृदय के साथ एकाकार हो जाती है। इस प्रकार की सहज और सरल और मधुर जो शैली है वो रामायण की शैली है, उसका जो शिल्प है वो आदर्श शिल्प है, किस प्रकार का होना चाहिए, शब्द किस प्रकार के होने चाहिए, जिस तरीके से क्लिष्ट शब्द न होना और बहुत अधिक समास बहुल शब्दावली न होना, ये अर्थ की प्राप्ति में जो बाधक तत्व हैं वो नहीं हो, तो सहज रूप से जो है वो अर्थबोध होता है। तो रामायण जो है वो शिल्प और शैली की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि वो उपजीव्य ग्रंथ है और उससे जीवन ग्रहण कर रहे हैं, तो उससे शब्द शिल्प की दृष्टि से भी, शैली की दृष्टि से भी आने वाले साहित्य की जो विधाएं हैं उन्होंने इससे जीवन ग्रहण किया है, इसलिए शिल्प और शैली की दृष्टि से रामायण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब जिसे कहें कि सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक महत्व रामायण का, आप जानते हैं कि रामायण बहुत महत्वपूर्ण है, समाज की दृष्टि से रामायण एक आदर्श ग्रंथ है, जो समाज की संरचना, समाज के ढांचे और सामाजिक परंपराओं का मार्ग प्रवृत्त करती है। तो समाज कैसा होना चाहिए, वो समाजशास्त्रीय दृष्टि से रामायण एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि समाजशास्त्र जो अध्ययन करता है, समाजशास्त्र रिश्तों का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र नातों का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र समूहक व्यवहारों का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र मनोवैज्ञानिक दशाओं का अध्ययन करता है। तो रामायण जो है वो समाजशास्त्रीय अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो समाज का स्वरूप कैसा होना चाहिए, समाज का व्यवहार कैसा होना चाहिए, समाज की परंपराएं कैसी होनी चाहिए, समाज का शिल्प कैसा होना चाहिए, ये रामायण से आदर्श ग्रहण कर सकते हैं हम। संस्कृति कैसी होनी चाहिए, संस्कृति का मतलब है कि जो हमारे शुद्ध आचरण है, जो हमारे पवित्र आचरण है, जो जीवन को परिष्कृत करने वाले, जीवन को दिशा देने वाले आचरण हैं, उनको हमने संस्कार कहा है, और हमारे जो संस्कार हैं उनसे हमारी संस्कृति बनती है, और संस्कृति से संबंधित जो तथ्य हैं उनको सांस्कृतिक तथ्य कहा जाता है। तो रामायण का सांस्कृतिक महत्व है, क्यों, क्योंकि रामायण संस्कृति की प्रतीक है, रामायण हमारी भारतीय सनातन जो संस्कृति है उसकी ध्वजा है, वो हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संस्कृति किस प्रकार की है, वो रामायण में प्रतिबिंबित होता है। भारतीय संस्कृति के जो जीवन मूल्य हैं वो क्या है, वो रामायण में प्रतिबिंबित होता है। भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व क्या हैं, भारतीय संस्कृति का मूल दर्शन क्या है, भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्य क्या हैं, भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्य क्या हैं, भारतीय संस्कृति राष्ट्र के निर्माण के लिए किन तथ्यों और आचरणों पर बल देती है, वो रामायण उसका प्रतीक है, रामायण उसका प्रतिबिंब है। और रामायण का धार्मिक महत्व है, क्योंकि रामायण को
एक तरीके से धार्मिक ग्रंथ कहा गया है कि सनातन धर्म में रामायण जो है वो जो हिंदू संप्रदाय है उसमें रामायण को एक धार्मिक ग्रंथ कहा गया है। धार्मिक बच्चों इस अर्थ में है कि हम धर्म का जो मूल स्वरूप है उसको कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं। धर्म से तात्पर्य जो हम समझते हैं इस समय वो नहीं है। हम जो समझते हैं कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग मंदिर जाते हैं, जो लोग कर्म में जो दिखाई देता है कि वो इस प्रकार से भगवान की मूर्ति के समक्ष व्यवहार करते हैं वो धर्म है। परंतु धर्म ये धर्म का बाह्य जिसे कहें कि भाग है, धर्म का ये बाहरी दिखाई देने वाला भाग है। धर्म का एक आंतरिक भाग है। धर्म वो है जिसको हम धारण करते हैं, यानी कि जो आचरण हम धारण करते हैं, जो स्वभाव हम धारण करते हैं, जो मूल तत्व हम धारण करते हैं, जो कर्तव्य ड्यूटीज़ हम धारण करते हैं वो धर्म है। जैसे बहना वायु का धर्म है, जल का धर्म है, उष्णता अग्नि का धर्म है, तो इस तरीके से शीतलता जो है वो जल का धर्म है। इस तरीके से मानव का धर्म क्या है वो जो है वो धर्म हम कह सकते हैं। तो मानव का धर्म जो मानवता है, मनुष्य होने के नाते उसको क्या करना चाहिए वो धर्म है। और उस धर्म की शिक्षा रामायण देता है कि मनुष्य को मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्य के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, परिवार के साथ एक मनुष्य के रूप में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, मानवीय मूल्य क्या है, मानव का मूल स्वभाव क्या है, मानव का मूल धर्म अथवा मानव का मूल कर्तव्य क्या है, ये रामायण उसका पथ प्रशस्त करती है। इसलिए रामायण का धार्मिक महत्व है। तो सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से रामायण महत्वपूर्ण है। अगर हम बहुत आगे बढ़ेंगे तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी रामायण महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन के विज्ञान को समझने में जो है रामायण हमारी मदद करती है। तो अगर हम उसके बहुत सारे मनोविज्ञान को उसके भीतर जाना चाहेंगे तो केकई के मनोविज्ञान को समझेंगे कि वो किस प्रकार के मनोविज्ञान के तहत वो राम के राजतिलक में बाधा डालती हैं और अपने पुत्र को राज्याभिषेक करवाना चाहती हैं और दशरथ के सामने अपनी शर्त रखती है, तो उसको हम अध्ययन कर सकते हैं। दशरथ का मनोविज्ञान किस प्रकार का है, वो राम के प्रति क्या उनका मन कहता है, केकई के प्रति क्या मन कहता है, वो जब धर्म संकट है तब उनका मन क्या कहता है, जब वो दुविधा में होते हैं तब उनका मन क्या कहता है। तो दशरथ के मनोविज्ञान को समझें, हम राम के मनोविज्ञान को समझें एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, फिर जब वो सीता का त्याग करते हैं तब एक पति के रूप में, एक राजा के रूप में उनका मनोविज्ञान क्या कहता है, वो सारे जो मनोविज्ञान है उनका अध्ययन रामायण में किया जा सकता है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी रामायण का महत्व है। राजनीतिक दृष्टि से रामायण का महत्व है क्योंकि राम एक आदर्श राजा है और राम का जो राज्य है वो आदर्श राज्य है। तो आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, राजा के धर्म क्या होने चाहिए, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, जिस धोबी के कहने से, जिस रजक के कहने से सीता का परित्याग कर दिया गया है, तो इस प्रकार की प्रजा जो बिना समीक्षा के, बिना अवलोकन के जो है समीक्षा करे, ऐसी प्रजा अनुकरणीय नहीं है। प्रजा जो है वो राजा के व्यवहार का, उनके करणीय अकरणीय कार्यों की समीक्षा करें और अपनी बात को रखें, लेकिन इस प्रकार से जो है जिसे कहें कि आलोचना प्रजा का धर्म नहीं है, समीक्षा प्रजा का धर्म है। तो प्रजा कैसी होनी चाहिए और फिर राजा कैसे होने चाहिए और जिसे कहें कि मंत्री कैसे होने चाहिए, जो जब सुमंत जैसे, वशिष्ठ जैसे गुरु कैसे होने चाहिए, तो इस तरीके से जो है उसका जिसे कहें राजनीतिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है जिसे कहें कि रामायण का, जो वस्तुतः धर्म के वास्तविक स्वरूप को सिखाते हैं, बताते हैं। तो गुरु जो है जब वाल्मीकि लिख रहे हैं रामायण को, वो वहाँ मार्ग बता रहे हैं लवकुश को, वशिष्ठ यहाँ राम को मार्ग बता रहे हैं, तो एक आध्यात्मिक महत्व भी रामायण का है। आर्थिक महत्व हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था रामायणकालीन कैसी थी, तो उसको हम अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो रामायण में अर्थ के प्रबंधन के सूत्र हमको बहुत सारे मिलेंगे। तो आर्थिक महत्व भी रामायण का जो है वो हो सकता है। तो इस तरीके से रामायण जो है वो समाज शास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से, सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की शिक्षा के दृष्टिकोण से, धार्मिक अनुकरणीय मार्गों के दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के दृष्टिकोण से, राजनीतिक
आदर्शों के दृष्टिकोण से और आर्थिक सूत्रों के दृष्टिकोण से रामायण का महत्व अपने आप में निश्चित तौर पर है। उपजीव्य काव्य के रूप में रामायण का महत्व सिद्ध ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यह आदि काव्य है। आने वाले लगभग सभी ग्रंथों ने रामायण से अथवा महाभारत से अपने कथ्य को, अपनी विषय वस्तु को, अपने स्रोत को वहाँ से लिया है, इसलिए इन्होंने उपजीव्य काव्य है। तो उपजीव्य काव्य होने के कारण, आदि काव्य होने के कारण रामायण का अपना महत्व है। दर्शन और धर्म और संस्कृति और अध्यात्म के दृष्टिकोण से रामायण का महत्व है। एक शब्द शिल्प और भाव शिल्प की दृष्टि से रामायण का महत्व है। चरित्र निर्माण और आदर्श स्थापना के दृष्टिकोण से रामायण का महत्व है। तो रामायण जो है एक तरीके से भारतीय संस्कृति का ग्रंथ है, भारतीय धर्म का ग्रंथ है, और ये जो रामायण है वो आदिकवि वाल्मीकि जो है वो वैश्विक पटल पर विश्व के अनुकरणीय कवियों में से एक है, और रामायण जो है वो अनुकरणीय ग्रंथों में से एक है। लौकिक संस्कृत साहित्य का ये पहला ग्रंथ है। वैदिक साहित्य इससे पहले था, हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और फिर उनकी व्याख्या करने वाले ग्रंथों के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ अथवा शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष के रूप में जो उसके अंग हैं, जो उसको समझने में मदद करते हैं। उसके बाद में ये जो भाषा है वो संस्कृत हो गई, यानी परिष्कृत, परिमार्जित, व्याकरणबद्ध हो गई। वहाँ से जो लौकिक संस्कृत साहित्य प्रारंभ होता है उसका रामायण जो है वो प्रथम ग्रंथ है, और जो प्रथम होने के दृष्टिकोण से इसका महत्व है, संस्कृति के दृष्टिकोण से इसका महत्व है, और कला की दृष्टि से, काव्य कला की दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण है, उदात्त भावों के दृष्टिकोण से इसका महत्व है, और जीवन के दृष्टिकोण से इसका महत्व है, धर्म के दृष्टिकोण से रामायण का महत्व है। तो रामायण जो है एक अनुपम असाधारण जो है काव्य है, और इस काव्य में कवि ने अपने, जिसे कहें कि शब्दार्थ से, पूरे समाज को एक रास्ता दिखाया है। सारे धर्म जो हैं वो बताए हैं, सारे करणीय अकरणीय कार्य जो हैं वो बताए हैं। इस प्रकार से जो रामायण है वो रामायण हमारे जीवन के लिए भी, और साहित्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो साहित्य संसार के लिए भी अनुकरणीय है। तो जीवन के लिए अनुकरणीय है, साहित्य के लिए अनुकरणीय है। तो रामायण अगर हम देखें तो न केवल हमारा, जिसे कहें कि धार्मिक ग्रंथ है, और यदि सामान्य रूप से परंपरागत तरीके से हम ये कह देते हैं कि रामायण को पढ़ने से पुण्य मिलता है, रामायण को पढ़ने से जो है वो पाप धुल जाते हैं, रामायण को सुनने से जो है वो पुण्य मिलता है, तो इसके जो निहितार्थ हैं बच्चों वो ये है कि रामायण को यदि हम पढ़ते हैं, केवल पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रामायण को हम पढ़ते हैं, उसको हम समझते हैं, उसको हम जैसे करें अनुकरण करते हैं, तो सारा जो हमारे मन के विकार हैं वो समाप्त होकर के और हम सही रास्ते का चयन करते हैं। इस प्रकार से हमारे दोषों को समाप्त करने में और पवित्र कार्यों की तरफ प्रशस्त करने में रामायण का एक अपना एक महत्व है। तो अगर हम साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो भी रामायण महत्वपूर्ण है, यदि हम जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो भी रामायण महत्वपूर्ण है। इसलिए रामायण जो है वो जिसे कहें कि वरेण्य ग्रंथ है, अनुकरणीय ग्रंथ है, और रामायण जो है वो धर्म के दृष्टिकोण से यदि हम जिसे कहें कि केवल जिसे कहें कि कर्मकांड के रूप में हम रामायण को नहीं पढ़ें, बल्कि हम रामायण को पढ़ें, उसको समझें, उसके भावों को समझें, उसके शब्दों को समझें, और समझ करके और रामायण क्यों महत्वपूर्ण है इसको तब समझ पाएंगे जब हम इसको जिसे कहें कि जिसे हम अपने अंदर तक उसको आत्मसात करेंगे, तब हम रामायण की महत्ता को समझ पाएंगे। तो बच्चों, हमको ये बात समझ में आई कि 24,000 श्लोकों में और 7 कांडों में राम के जीवन के चरित्र का वर्णन जिस ग्रंथ में किया गया है वो रामायण है, और ये रामायण जो है वो महाकाव्यों के लिए, साहित्य के लिए प्रतिमान है। ये जो रामायण है वो जीवन के लिए प्रतिमान है, ये जो रामायण है वो प्रत्येक करणीय कार्य के लिए प्रतिमान है। इसलिए रामायण का दोनों ही दृष्टियों से, चाहे हम
जीवन के स्रोत के रूप में ग्रहण करें अथवा हम साहित्य के स्रोत के रूप में ग्रहण करें, रामायण एक जिसे कहें कि अत्यंत वर्ण्य और अध्येय ग्रंथ है, तो रामायण निश्चित तौर पर जो है वो पढ़ी जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए और जीवन में उतारने का उसको प्रयास किया जाना चाहिए। तो रामायण के बारे में हमने जो देखा, बच्चों आपको रामायण का महत्व समझ में आया होगा। और इसके अलावा जो हमने चर्चा नहीं की है यहाँ पर कि रामायण की अक्षरश विषय वस्तु की, कि रामायण के जिसे कहें कि बालकांड में क्या है और अयोध्या कांड में क्या है, सुंदरकांड में क्या है, जिसे कहें कि युद्ध कांड में क्या है अथवा उत्तरकांड में क्या है, तो उन सबको हम विषय वस्तु के रूप में पढ़ सकते हैं। परंतु बहुत ज़्यादा उसकी विषय वस्तु के जिसे कहें कि आप उसे पुस्तक से अध्ययन करें, लेकिन हम कह सकते हैं कि रामायण में राम का जन्म जब होता है, यद्यपि बालकांड में जो है वो शिव पार्वती के द्वारा रामायण का जिसे कहें विषय वस्तु का वहाँ पर संकेत है, परंतु राम के जन्म से लेकर के और वाल्मीकि रामायण में सीता के जो है भूमि समाधि लेने तक का वर्णन है, और जो है युद्ध कांड जहाँ पर समाप्त होता है वहाँ पर जो वीर काव्य का जो उद्देश्य है, जो जिसे कहें कि जो अच्छाई का बुराई पर विजय का जो उद्देश्य है वो वहाँ समाप्त हो जाता है। उत्तरकांड में रामायण के लंका विजय के उत्तर की यानी कि बाद की कथा है, और वो एक विवाद भी है कि वो इसका अंश है या नहीं है, परंतु हम ये मानते हैं इस समय वर्तमान में प्राप्त जो रामायण है उसमें 7 कांड हैं और वो बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक उसकी विषय वस्तु है। इस विषय वस्तु में राम का जन्म जब होता है तब उनका बाल्यकाल, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका वनगमन, बहुत सारे असुरों का उनके द्वारा नाश किया जाना, सीता का स्वयंवर, सीता का धनुष तोड़ा जाना, सीता का विवाह, उसके बाद समस्त भाइयों का विवाह, और उसके बाद राजतिलक की बात, और राजतिलक में फिर राम को वनवास, भरत को राजतिलक, और फिर उसके बाद में वन में उनका गमन, फिर रावण के द्वारा सीता का हरण, सीता को खोजना, खोजने के क्रम में राम को जो है सुग्रीव, हनुमान आदि, जामवंत आदि का जो है वो मिलना, और उनकी मदद से सीता को खोजना, रावण के बारे में पता लगना, वहाँ पर उनका संदेश भेजना, फिर जो है वो युद्ध होना, युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त करना, सीता की पुनः प्राप्ति करना, फिर अयोध्या गमन करना, अयोध्या में पुनः जो है भरत चूँकि राज्य उन्होंने स्वीकार किया नहीं, उन्होंने राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य चलाया, तो उसके पश्चात राम का पुनः जो है वो राजतिलक, और उसके पश्चात रजक के द्वारा की गई जो है विवादास्पद बात, और फिर पुनः सीता का वनगमन, लवकुश की उत्पत्ति, वाल्मीकि के द्वारा लवकुश को रामायण का जिसे कहें कि अध्ययन करवाना, लवकुश के द्वारा रामायण का पाठन करना, उसके बाद राम के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उसमें उनको अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाना, और फिर लवकुश के साथ उनका युद्ध होना, राम से उनका मिलना, सीता का समक्ष आना, और फिर सीता का जो है वो भूमि में समा जाना, ये सब जो है कथा वस्तु रामायण की है। और ये तो सिर्फ कथ्य है, लेकिन यदि हम उसके भावों को, उसके शिल्प को समझेंगे तो वो हमारे लिए अनुकरणीय है, वरेण्य है, वो पठनीय है, वो चिंतनीय है, और उसको महत्व को समझ करके हम इसके मूल तत्व को, निहितार्थ को समझ पाएँ, इसकी महत्ता को समझ पाएँ, तो रामायण का परिचय और ये रामायण की समीक्षा आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभदायक होगी, पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से भी और आपके जीवन के दृष्टिकोण से भी। आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में, अगले ई कंटेंट में हम लोग महाभारत के बारे में सामान्य परिचय, यहाँ हम लोग बच्चों बहुत डिटेल में रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सामान्य रूप से पढ़ रहे हैं, वो सारा आपका जो संस्कृत साहित्य है उसका सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए, उसका कथ्य और उसकी संरचना, उसका शिल्प, उसकी शैली के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये हम लोग देख रहे हैं, रामायण का देखा हमने, और अगला जो हमारा जो जिसे कहें कि लेक्चर होगा उसमें हम महाभारत
भारत के कथ्य के बारे में, उसके शब्द शिल्प के बारे में, उसके भाव शिल्प के बारे में और उसके महत्व के बारे में, उसके संरचना के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।